हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नित्या होम्यो केयर। टुडे वी लर्न एलुमिना। तो चलिए एलुमिना के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर गाइस। एलुमिना का जो बेसिक थीम होता है ना, एलुमिना का जो बंदा रहेगा उसमें तीन चीज़ बहुत कॉमन आप देखेंगे, डलनेस, डिसओरिएंटेशन एंड स्लोनेस। इट्स अ थीम ऑफ एलुमिना। सो लेट्स अंडरस्टैंड एलुमिना। इट्स अ कॉमन नेम इज एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड इट्स अ साइनोनिम इज एल्यूमिनियम ऑक्सीडेटम। ओके, इट्स अ मिनरल किंगडम रेमेडी। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज द एलुमिना पेशेंट बिकम इल। तो इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट इज एंगर, डिसअपॉइंटमेंट एंड लेड पॉइजनिंग की वजह से भी कई बार इसे प्रॉब्लम होती है, एग्जर्शन से प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम एलुमिना का माइंड समझते हैं कि एलुमिना का बंदा होता कैसा है। एलुमिना के बंदे आपको मोस्टली हरिड मिलेंगे, है ना, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं बिकॉज टाइम पासिस टू स्लोली। ये एक रूब्रिक है, डेल्यूजन टाइम पासिस टू स्लोली, जो एलुमिना में सूट होता है। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, चीज़ों को कैसे करना है, है ना। पर्सनल आइडेंटिटी के लिए कन्फ्यूज़न रहता है, हेड बिलोंग्स टू अदर रहता है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव व्यू ही ये लोग देखते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फियर रहता है ना, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट देख लेंगे, जजमेंट देख लेंगे तो फियर रहता है। एंड ये सुसाइडल डिस्पोजिशन में भी चले जाते हैं क्योंकि एलुमिना में ना बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी स्टेजेस होती हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से ये सुसाइडल थॉट्स इनको आते हैं एंड सुसाइडल डिस्पोजिशन में जाते हैं एंड इम्पल्सेस आती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। इनमें ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी कंसाइंस होता है, एज इफ क्राइम एंड गिल्टी, मतलब ये बहुत जल्दी गिल्टी फील करते हैं, कुछ भी ये सही नहीं कर पा रहे उसके लिए गिल्टी फील करेंगे एंड उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत वीक हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज होती है स्लोनेस रहता है, ये प्रेशर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, कोई भी कम समय पे नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, कन्फ्यूज़न आएगा इसके बाद इनको, है ना, हर चीज़ इम्पॉसिबल फील होती है। देन इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि लूज हिज आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ। जब भी वो आपसे बात करेंगे तो वो कहीं और देख रहे होंगे, है ना, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे एंड कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद ना उनको एंजाइटी कंसाइंस होता है ना, उनको फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब गिल्टी फील करेंगे कि मैं ये चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ। देन वो इम्पल्सिव एंड डिस्पेयर की स्टेज में जाते हैं, डीप डिस्पेयर हो जाता है ना, उनको लगता है वो ठीक नहीं होंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रेजिग्नेशन में जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं एंड उनको बुरे थॉट्स आने लगते हैं, इम्पल्सिस आने लगता है। तो ये थीम होती है एलुमिना की, इस तरीके से ये बीमार होते हैं, है ना। तो कन्फ्यूज़न एंड स्लोनेस मेन इनका रहता है जिसके बाद ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी एलुमिना को ना ड्राई फ्रूट, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स का क्रेविंग होता है, चौक, चारकोल, मीट से इनको ओपोटेंटों से एवर्जन होता है। कॉन्स्टिपेशन मेनली एलुमिना में देखा जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये लेटेड वो नहीं कर पाते हैं, चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, उनको पकड़े रहते हैं, तो माइंड से इसका रिलेशन होता है, इस वजह से एलुमिना बीमार होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।